अभी सुबह के बज रहे हैं 7, मेरी 8 बजे क्लास है। चलो फटाफट निकलते हैं। चाबी क्या कह रही है, कैसे पीऊँ मैं? अब गर्ल्स हेलमेट पहन लिया मैंने ब्लॉगिंग का, वहाँ चाय बन चुकी है, लेकिन कहीं रास्ते में पी लूँगा भाई, अगर टाइम बचा तो मैं रास्ते में पी लूँगा। बाहर का माहौल देखो, बिल्कुल ख़तरनाक है ठंड। जूता मैं हमेशा यहीं बैठ के पहनता हूँ, बिकॉज अंदर वैसे कोई जगह ही नहीं है पहनने की, क्योंकि हमारे घर पे शूज़ को अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है। लेकिन यह है कि जो शूज़ वगैरह स्लीपर्स वगैरह आप अंदर घर के अंदर पहनते हो, वो बाहर लेके नहीं जा सकते। अच्छी बात है, वैसे तो बहुत अच्छी बात है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं मेरे दी और जीजू। बाकी बोलते टाइम मेरी सांस इतनी फूलती क्यों है, इतनी फूलती क्यों है मेरी सांस? मेरी सांस में तेरी सांस मिली तो समझ आया आप, लेकिन सुन के अच्छा लगा। क्या करने लग गए ब्लॉगिंग की जगह? चलो ऑल सेट, देखते हैं ये ग्लव्स महाशय मेरे को कितना बचा सकते हैं ठंड से। वही है, वही वाला ग्लव्स है। आज एग्जैक्ट टाइम पे मैं निकल रहा हूँ घर से, ताकि कोई झंझट ना हो भैया। तो आज से टाइमिंग का, खाने पीने का, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज जो मेरा काम है ना वो फिर रह जाता है यार। पहले बाइक को चला के इसके इंजन को गर्म करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा स्मूथ चल पाता है, तो झटके मारता है ठंड में। मौसम तो बड़ा ही मस्त हो रखा है, तो बादल हैं, थोड़ा सा फॉग सा है, उतना क्लियर देख नहीं रहा, जबकि अभी तक तो बहुत अच्छे से सनराइज हो चुका होता। सुबह के 7 हो गए भाई, फाटक महाराज का क्या सीन है भैया? पता नहीं बंद है कि खुले है। लो हो गया कल्याण, बंद है। कुत्ते कमीने, यही कहेंगे ना वसूली भाई आप हमको? कम होने लगे। चलो ट्रेन महाराज जी गई, महारानी जी, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई। लो जी एक और आ गई इधर से। चलो ये भी गई, खुल गई। चलो चलो, तो फाइनली मैं फाटक क्रॉस करके और सीसी रोड पे आ चुका हूँ। मैंने बोला था ना फॉगी सा माहौल हो रहा है सुबह। आई डोंट थिंक कि सनराइज देखने का मौका मिलेगा मेरे को। ये मॉल पता नहीं कब बनेगा भाई। अरे यार, तो मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ, कभी भी बने। सुबह बहुत कम ट्रैफिक मिलती है, जो कि मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि मैं जल्दी पहुँच जाता हूँ। तो फिलहाल मैं पांचा वाला तो पहुँच गया हूँ, पांचा वाला पुलिया बोलते हैं इसको, पांचा वाला पुलिया बोलते हैं। इस कॉलोनी में एक गड्ढा आता है, इनविजिबल गड्ढा, दिखता ही नहीं कभी, उसकी मर्जी तो आपके सामने कभी भी आ सकता है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? फाइनली कॉलोनी से निकल गया मैं, पता नहीं ये रास्ता कब बनेगा भाई, एक बार टाइम देखना पड़ेगा यार। टाइम क्या हो रहा है, मुझे चाय पीना है। इट्स 44, नहीं पी सकते भाई, अब नहीं पी सकते, लेट्स गो भाई। ये एरिया तो अलग ही लगती है, पता नहीं डिफरेंट सी वाइब आती है यहाँ पे। गाड़ी को जल्दी से पार्किंग में लगाते हैं और फिर क्लास। हाँ फाइनली गाइज, मैं आपको मिलता हूँ कैमरा स्विच करने के बाद 3rd फ्लोर पे। सो हाई एवरीबडी, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी अभी क्लास जस्ट फिनिश हुआ आपने देखा, और मज़ा आ गया। ये वीक स्टार्ट हो चुका है और क्लास बहुत अच्छी रही, लिटरली बता रहा हूँ। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा फुटेज ऐड करने लग गया हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं भाई तुम वीडियो में
दिखाते नहीं हो क्या, अगर तो सीधा खत्म होते ही दिखा देते हो तो पता कैसे लगेगा भाई? ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, तो आपने देख ही लिया था, लेकिन पूरी क्लास में नहीं कर सकता बिकॉज भाई अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्लास के बीच में सिर्फ कैमरा लेके घूमना इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज एज अ ट्रेनर आपको पूरे तरीके से ध्यान देना होता है क्लाइंट्स के ऊपर कि वो ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा ऐड कर लो। तो इस तरीके से मेरा भी काम बन जाता है और क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होती। तो बस अब घर निकलना है फटाफट नहा के, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। चलो मिलता हूँ आपको नहा के, बाय। सो ऑल सेट, अभी मोटो ब्लॉग इंजॉय करो। चलो जी, कैमरा स्विच कर लिया है, अभी निकलते हैं, घर आ गया। ये देखो सस्ता ड्रोन शॉट। थोड़ी बहुत धूप निकल गई यार अभी तो। चलो आज की क्लास भी अच्छी रही, शाम को देखते हैं कैसी होती, लेकिन पहले घर तो पहुँचे। तो जब से मैंने मोटो व्लॉगिंग शुरू कराया है तब से मैं इधर से जाता हूँ यू टर्न लेके इस फ्लाईओवर के ऊपर से, बिकॉज इस ट्रैक पे चलने में मज़ा आता है। मेरा मन कर रहा है कहीं घूमने निकल जाऊँ यार, लेकिन घूम नहीं सकते, अपना काम पहले है, घूमना बाद में। मेरा तो बस प्लान है जल्दी से घर निकलने का और मुझे वीडियो एडिट करके उसको अपलोड करने का, बिकॉज यार मेरे पास टाइम की बहुत किल्लत है। वीडियो एडिटिंग के लिए मेरे को काफ़ी टाइम चाहिए, मेरे को तो उसमें टाइम लगता है भाई। हम शूट तो कर लेते हैं अपन, देखो अपने आप शूट हो रहा है अभी, लेकिन मेन होता है कि उसको किस तरीके से ऑडियंस को दिखाना है। तो इतने लंबे वीडियोज़ में पूरा वीडियो देखना होता है एडिटिंग के टाइम पर, फिर छोटे छोटे पार्ट ऐड करने होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सही होते हैं, उसके बीच बीच में कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट डालने होते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी थोड़ा लग रहा है बिकॉज धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग की बात बताऊँ ना तो मेरे को भाई देखो एडिटिंग तो मैं तो करता था, लेकिन सॉफ्टवेयर चलाना मेरे को उतने अच्छे से नहीं आता था। मेन तो वही है यार, मतलब एडिटिंग के लिए आपको टाइम चाहिए, और मेरे को बस अभी क्लास से फ्री हो गई इसलिए मैं जल्दी घर जाता हूँ, इसलिए मुझे जल्दी होती है घर जाने की, ऐसा है भाई साहब। ये रेड लाइट, चलो चलो ग्रीन लाइट हो गई, निकल लेते हैं भाई जल्दी से। भाई यहाँ से जाने में ना मेरे को कम से कम 25 मिनट लगे जाएंगे, 25 से 30 मिनट लग जाएंगे। भैया जगह दे, भैया इतनी लंबी ट्रैफिक भाई, अरे यार मैं कहाँ फंस गया भाई साहब, ऐसे ट्रैफिक आ रही है अभी दिमाग ही खराब हो रही है। देखो चलो ग्रीन लाइट हो गई अपनी, रुक जा भाई रुक जा, देख ले इधर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पे भी फंस गया। चलो 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 भाई, मुझे ना इस साइड ही जाना चाहिए बिकॉज वहाँ तो मैं फंस जाऊंगा। मेरे GoPro की बैटरी कभी भी लो हो सकती है भाई, तो कैमरा स्विच करना पड़ेगा एकदम से। चलो गाइस मैं मिलता हूँ आपको घर पे, बिकॉज GoPro की बैटरी लो होने वाली है। फाइनली मैं घर पहुंचा, अभी टाइम तो 11 बजने वाले हैं। अब चलो खाना वाना खाता हूँ जल्दी से और अपना काम करता हूँ, और मिलता हूँ आपको शाम को, और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, मिलते हैं जल्दी मस्त एक नए व्लॉग में शाम को। ओके हाय, ये देखो